सो फाइनली हम निकल पड़े हैं ट्रैक में मासार ताल के। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा, कुछ पता नहीं, नॉट श्योर, रात भी हो सकती है पहुँचते पहुँचते। बुरांस के फूल देख सकते हैं आप ऊपर, देखिए छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। खड़ी चढ़ाई है, ट्रेल्स तो हमें पता नहीं चल रहा क्या है, रास्ते का कुछ पता नहीं है, कहीं भी चल दे रहे भाई। अब पूरा ऊपर वाले के भरोसा है कहाँ जाएगा ट्रेल। अब देखो यहाँ से दो रास्ते, एक यहाँ है, अब एक यहाँ, अब पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ चले भाई, ऊपर राइट, चल राइट चलते हैं। यही तो टफ सीन है भाई, पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है क्या करना है, देखते रहे। जस्ट ट्रैक स्टार्ट किया था, रास्ता भूल गए, गलत आ गए। हाँ यहीं से चल रहे, देख ले ट्रैक भाई। मैं तो बोल रहा बिना गाइड के मत ही आना, दिक्कत हो जाएगी। पहले खड़ी मारते ना ऊपर चढ़ाई, यहाँ से आए थे हम गलत, गलत चले गए थे ऊपर जा रहे। हाय हाय, और सूर्यदेव ऊपर चलते हैं। खड़ी अब और अब जाके हम ट्रेल्स में जुड़े हैं भाई लोगों, मतलब पानी तो ज़्यादा बहता क्या भाई, देख हाँ अब यहाँ से इधर काफ़ी ट्रिपी रास्ता है, सुनसान जंगल, घना जंगल, और ट्रैवल करने वाले बस दो, थप्याल और मैं। हाय हाय, देखेंगे यार, छः अगर छः सात है तो दो घंटे लगेंगे, दो घंटे तो लगेंगे भाई, तेज चलना पड़ेगा बिना रुके, नहीं रुकते भी। और थप्याल और मैं कर रहे हैं साथ में ट्रैक, कैसा लग रहा है भाई? आफत, सुनसान रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा सुनसान, कोई नहीं दिख रहा है। स्टार्टिंग में दिखे थे जो लोग, मैं बता रहा था कि किया खड़ी है देहरादून की, वो लोग भी लाइक दे आर फैमिली, फैमिली वाले थे, अपना पिकनिक वगैरह करने आए थे, लोकल के थे कि बता रहे थे हमें। और इस ट्रैक में कोई नहीं है, सुनसान है भाई लोगों। अगर आप लोग ये ट्रैक करना चाहते हैं तो गाइड तो ले ही लेना, ट्रेल्स का कुछ पता नहीं, कभी भी कहीं जुट जा रही है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। अभी तक हमने एक भी स्टॉप नहीं लिया है, थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे कुछ, थोड़ा और दूरी में जाएंगे तब स्टॉप लेंगे, बाकी सुनसान है रास्ता, कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है, देखते रहिए पूरा ब्लॉग। अब फिर से आ चुके डाउन, देखिए कितना हरा भरे लग रहा है, पेड़ बहुत ही प्यारा लग रहा है, हरे भरे बिल्कुल। अभी डाउन आया था, अब फिर जाएंगे ऊपर चढ़ाई में। लंगूर बैठा है वहाँ पे, दिख नहीं रहा होगा, भगवान बीच में बैठा है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, जंगल का रास्ता है सही नहीं है, थपियाल की थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो रही है। थोड़ा प्लेन सी जगह में पहुंच चुके हैं, हल्का हल्का सीधा है, मुझे शायद वहाँ पे कुछ दिख रहा है रुकने का, काफ़ी ऊपर में है पर जितना मुझे लग रहा है जा तक, वो देख हाँ स्टॉप नहीं लेते अभी तो, ठीक है ना, अभी तो ज़रूरी नहीं है स्टॉप लेना, पसीना आ रहा है, गर्मी हो रही है, थकान भी लग रही है, पर ठीक है मैनेजेबल है। गाने बजाए गया यार अंधे, अभी देखिए जंगलों से बीच होते होते
बोल भी ले कुछ। क्या बोलूं, पतझड़ जैसा लग रहा है अपना भयंकर की। मतलब पत्ते पत्ते देखना, मतलब बहुत सही बिछ रहा है। आहा, रास्ते तो बड़े प्यारे हैं यार। हाँ ठीक है, ऊपर चलेंगे नीचे उसी काले में। ऊपर ऊपर चलते रहे भाई। बंद कर दे। हाँ फिर से है डाउन। फिर जाएंगे ऊपर चढ़ाई। हाय हाय, यहाँ के भोटिया बहुत प्यारे हैं यार, भोटे कुत्ते काफ़ी हाइट में। ठंडा भी बढ़िया है, ऐसा भी नहीं है कि गर्मी हो रही है, ठंडा भी बढ़िया हो रहा है। अब यहाँ से हम खड़ी चढ़ाई जाएंगे ऊपर, दिख रहा होगा। है अब चढ़ाई है ऊपर खड़ी। यहाँ पे लोगों की बल्द, भैंस, गाय। ये तो नहीं है मासर तार। चल। है कौन सा रास्ता होगा? हाँ वहीं से लग रहा है। हाँ वो वाला है। हाँ हाँ ये वाला, ये वाला ना? हाँ ये वाला। आजा फिर। चल देखिए लोग ही, बल्द, भैंस, गाय। अरे कितने बड़े बड़े हैं भाई, मारे ना सारे। डीप जंगल वॉक। क्या वही, थकान लग रही है। अबे हम गलत तो नहीं चले गए? सुन ना मेरे भाई, पूछ लेंगे यार। अरे बहन चो उतरा रहे क्या रास्ता? नहीं वो चढ़ने का है, देख ले। सही जा रहे हैं, ये तो नीचे जा रहा है यार, ये ऊपर को भी तो चढ़ रहा। हाँ चल 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 देखते हैं। आसर ताल का रास्ता ये है, यही जा रहा ना? ठीक है। कितना टाइम है पूछ, अभी कितना टाइम लगेगा? अभी कितना टाइम और लगेगा है? दो घंटे। और वहाँ पे भी लोग रहते हैं, लोग होंगे वहाँ? लोग लोग कोई नहीं होगा आजकल। चल चल भाई, मेरी बोतल में पानी है। दो घंटे और रहेंगे। मेरी बोतल में पानी है। बंद तो नहीं? पानी भी भरना है क्या? तेरी बोतल में नहीं है तो भर ले भाई। नहीं अब आइयो, पानी भरते हैं। और यहाँ पे मिल गया कुछ लोग। कितने लोग हैं? दो, हम दो ही। क्या टाइम हो गया? टाइम तो हो रहा आपका 5 बजे होगी, 5:15। हाँ सही है, वहाँ रुकने रुकने का है, मतलब हम टेंट टूंट ला रखे अपना। पानी पूनी की व्यवस्था है? तालाब का पानी है? कितना टाइम? पानी नहीं होगी कितना टाइम? आस पास कहीं पे तो होगा। तालाब का पानी पीता है? बहुत अच्छा पानी है। है? और कितना टाइम लगेगा अभी? लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे। चलो ठीक है भाई जी। आप लोग वहीं से आ रहे हो? हाँ। तो बीच में कुछ है वैसे रुकने रुकने लोग लोग रहते हैं ना? ना, ना। और रास्ता ऐसी है बढ़िया? हाँ जी हाँ, दो रास्ते मिले ऊपर से तो ऐसे में जाना ना, ऊपर वाले रास्ते को कटना दाया ना। ठीक है ठीक है। ऊपर से जो है जब चोटी में मिलेगी ना, तब नीचे सौर मिलेगा। ऊपर चोटी से क्या दिखेगा? नीचे सौर। अच्छा फील्ड। सौर से सीधा 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 आग। भटकने वाला रास्ता नहीं है ना? ना ना। ठीक है ठीक है। ऐसे बन रखे होंगे ट्रेन को हल्की फुल्की? यहाँ पर लगी सौर पे थोड़ा कम, सौर पे थोड़ा, सौर पे सीधा फील्ड पे ना। हाँ थोड़ा ऐसे
थोड़ा दिखने के लिए तो बन जाएगा और आगे से रास्ता मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद भाई लोगों। भाई जी कुछ लोग मिले हमें, उन्होंने बताया कि अकेले चल रहे हो, कोई नहीं आजकल, कुछ नहीं यहाँ पे, हम लोग कोई नहीं देख लेंगे। यहाँ से ऊपर है ना, पता भी नहीं चल रहा भाई, ये देख सकते हैं आप लोग, सो सकते हैं ट्रेल्स होंगी, पता ही नहीं चल रहा कुछ। गजब ही सीन है। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हमारे साथ बहुत ही गलत स्कैम हो चुका है, बताने में हंसी आ रही है। जो हम लाइक बनाने वाले थे ऊपर मैगी वगैरह, और हमने रिफ्रेशमेंट के लिए रखा था बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, सब कुछ हम भूल गए नीचे ही दुकान पे, बूढ़ा केदार के पास ही सब कुछ, ए टू जेड हमने जितना भी लिया था, पैसा कटा है हमने, बट एट द एंड कुछ भी नहीं, हम कुछ लेकर ही नहीं आया भाई, लाइक हम खाली पेट है, अब कुछ खाने के लिए ही नहीं है। अब अगर भगवान की किस्मत होगी तो आगे कोई मिलेगा तो खिला देगा, हमारी किस्मत होगी तो कोई खिला पिला देगा, और नहीं होगी तो फिर आज रात पूरा भूखा सोना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। अब बारिश की भी स्थिति होने वाली है, हल्की फुल्की बूंदे बांदी तो हो रही है। अभी चलना है और बारिश हो चुकी है स्टार्ट। घना जंगल, सुनसान। अब हम सोच रहे हैं क्या करें, बारिश हो चुकी है स्टार्ट, कुछ तो है ही नहीं। हाय हाय, क्या करना है, बारिश हो गया तेज, आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग। एक यहाँ पे शर्ट दिखाया हमें, देखते हैं। हाँ शर्ट तो है, काफ़ी तेज़ हो रही है बारिश, ओले पड़ रहे यार, ओले पड़ रहे भाई, अबे ओले पड़ रहे, गलती। जय शंभू, जय बाबा की, जय हो भोले बाबा की, घंटी बजा दे मेरे भाई, जय शंभू, जय भोले बाबा की, पितृ देवता, पितृ देवता हो मेरा। ओले पड़ रहे, देख ये देख, देख ये देख नीचे देख, हाय 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 हाय, शेड मिल चुका है हमें एक, देख सकते हैं आप, यहीं रुकता थोड़ी देर। और अभी बारिश फिर से रुक चुकी है, ओले भी पड़ रहे थे छोटे छोटे, और फिर से हमने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, अब तो खड़ी चढ़ाई है। ओहो थकान भी लग रही है बहुत, काफ़ी भाई हाइट में आने के बाद नज़ारे कुछ ऐसे। हाय हाय, अभी जंगली मुर्गे भी दिखे थे, अभी फिर चढ़ाई चलनी है ऊपर, रात होने से पहले पहुंच जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलते हैं आगे, अभी फिर से बहुत तेज ओले ओले पड़े भाई लोगों, और बड़ी मुश्किल से एक शेड मिला है पत्थर के नीचे, ये देख पा रहे हैं पत्थर है, पत्थर के नीचे बैठे हैं, दिखाते हैं, हालत ख़राब हो रही है भाई लोगों, पत्थर है देखो ऊपर, ओले पड़ रहे बहुत गलत, आवाज़ आ रही होगी, बहुत ही गलत यार, रास्ता भटक गया, रास्ता भी नहीं पता चल रहा कहाँ जाना है। हाँ यार रास्ता गलत हो गया भाई, बहुत गलत हो गया है सीन हमारे साथ। अब देखते हैं क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त पड़ रहे हैं ओले छोटे छोटे भाई, बहुत ज़्यादा। वो तो सही टाइम पे शेड मिल गया है एक पत्थर का, आवाज़ देख सकते हैं आप। ओ भाई गलत, ऐसा लग रहा गलत ही फंस गया ट्रैकिंग में, बादल लग गजर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और यहाँ बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है, रास्ता हम बिल्कुल भटक चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। तो अभी हम वापसी करेंगे नीचे, जहाँ पर हमें पहले कुछ रुकने का दिखा था, और कुछ भाई पूरा भूल चुके हैं हम भाई,
कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाना है क्या करना है। टेंट पड़ा है हम पे, बट ओले इतने बर्फ़ देखिए ना, पूरा ओले बर्फबारी हो रही है भाई लोगों, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होता है, जुड़े रहिए, देखते रहिए। बर्फबारी बहुत ही ख़तरनाक, ऊपर जाने का रास्ता मिला नहीं, नीचे जाने की सोच रहा है। यहाँ से मत जाए, थोड़ा टफ है। यहाँ से चलना, बीच बीच से चल, यहाँ से आ, इधर आ। बर्फबारी देखिए, इधर आ, ये बुगाल चलेंगे ना, समझ रहा? बाद में कौन टेढ़ी साइड वाली। अबे आ ना नीचे साले, वहाँ तो उल्टा जा रहा है तू, देखिए बिल्कुल बर्फ़ पड़ी हुई है यार, ये देखिए पूरी पूरी जगह बर्फ ही बर्फ। अभी नीचे जा रहे हैं वापसी, शेड ढूंढ रहे हैं कहीं जाके बैठे। और फाइनली सीन ऐसा हुआ था कि हम ऊपर चढ़ रहे थे, और ऊपर चढ़ते चढ़ते पहली बात तो बारिश हो गई स्टार्ट, फिर जैसी बारिश स्टार्ट हुई उसके बाद स्टार्ट हुआ ओले पड़ना, ठीक ठाक ओले जैसी पड़ते रहे। उसके बाद हम भूल गए ट्रेल्स, फिर जितनी देर में हम ट्रेल्स भूले उतनी देर में बहुत तेज़ हम भीग चुके थे, पूरा देख सके पूरा भीगे हुए हम पूरा, हम पे टेंट था, हम पे सब कुछ था, बट सबसे बड़ी एक चीज़ दिक्कत और थी, कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं था हम पे। तो भाई हम फिर वापस यहाँ पे आए हैं जहाँ पे लास्ट टाइम थे, और फिर यहाँ पे हम रुके हैं। अब हम यहाँ पे अपने कपड़े कुपड़े सुखा रहे हैं, जैसा भी है कर रहे हैं, और फिर हम नीचे जाएंगे, और अगर कल सुबह तक बारिश रुकती है, मौसम सही होता है, तो फिर हम कल फिर से ट्रैक करेंगे ऊपर, है क्या बोलता है ना, ये कर लेंगे, कल ट्रैक फिर से करेंगे। और फिलहाल हम इसके बाद जाएंगे नीचे, यहाँ पे छानी थी वहाँ पे, अगर किसी ने हमें रुकने का ठहरने का कुछ कर लिया, हमने रहने रुकने के लिए दिया, और पूरा भीग चुका हूँ जूतों से लेके, देखिए जूते कितने चमक रहे हैं, जूते चमक रहे हैं, थपियाल पूरा भीग चुका है बेचारा, मैं पूरा भीग चुका हूँ, हालत ख़राब हो चुकी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, तब तक देखते रहिए व्लॉग। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, देखिए टेंट का लगा, टेंट कैसे में लगाया और कहाँ लगाया, देखो रास्ता भटक चुके थे, रात पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे, ट्रेल भटकी, फिर मैंने डिमरी को कहा कि भाई रात में चलना खतरनाक है, तो फिर ये हल्का सा तप्पड़ दिखा, तप्पड़ भी क्या बोलेंगे इसको, ये दिख रहा जो आपको, और बहुत ठंडा, मतलब जी सीन बहुत पट गई थी, डर लग रही थी, बस बच गए जैसे तैसे, रात काट दी इधर, खाया पिया कुछ नहीं है, पानी था बस, वो भी नहीं पिया, बहुत ठंडा हो गया था, गीले कपड़े ऐसी।